नमस्ते, मैं सुविक गेंद दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। पिछले 4 महीने से जुपिटर स्कॉर्पियो राशि में वक्री चल रहे थे, जो अब 11 अगस्त को डायरेक्ट हो जाएंगे, तो इसका क्या इफेक्ट होगा आपके लिए, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर इससे पहले कि हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाएं, आप जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी के साथ मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करें, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जुपिटर का ट्रांजिट वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट माना जाता है, और सैटर्न के बाद जुपिटर के ट्रांजिट की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि जुपिटर हमारी लाइफ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जुपिटर एक राशि में लगभग 1 साल के लिए गोचर करते हैं, और जब भी हम किसी की प्रिडिक्शन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जुपिटर के गोचर को ही देखा जाता है। जुपिटर 11 अक्टूबर 2018 को स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में आ गए थे, जो 11 अप्रैल 2019 को वक्री हो गए थे, और अब जुपिटर 11 अगस्त 2019 को दोबारा डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि टोटल 4 महीने के लिए जुपिटर वक्री थे। जैसा कि मैंने अपनी पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है तो जिस राशि में वो गोचर कर रहा है उस राशि के कम रिजल्ट देता है और अपनी पिछली राशि के ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो जब जुपिटर वक्री हो गए थे स्कॉर्पियो राशि में तो वो स्कॉर्पियो राशि के कम रिजल्ट दे रहे थे, बल्कि लिब्रा राशि के ज़्यादा रिजल्ट दे रहे थे। लिब्रा यानी कि तुला राशि से त्रिकोण में यानी कि जेमिनी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, और जब जुपिटर वक्री हुए तो राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बना, जिसकी वजह से लोगों को मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ा। जो काम आपके अक्टूबर 2018 के बाद से बनने शुरू हुए थे वो अप्रैल 2019 में रुक गए, और मैंने काफ़ी क्लाइंट्स की हॉरोस्कोप देखी और ये जाना कि 80% लोगों को बुरे रिजल्ट्स मिले जब जुपिटर वक्री हुए थे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि जुपिटर काल पुरुष की हॉरोस्कोप में भाग्य हाउस यानी कि डेस्टिनी हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब जुपिटर वक्री हो गए थे तो लोगों को अपने कामों में रुकावट देखनी पड़ी, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गया, स्पेशली उन लोगों को जिनकी हॉरोस्कोप में जुपिटर वीक है। अब जुपिटर कैसे वीक हो सकता है? अगर किसी की हॉरोस्कोप में जुपिटर अपनी नीच राशि में प्लेस्ड है यानी कि कैप्रिकॉन राशि में है, दूसरा जुपिटर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में प्लेस्ड है, या फिर किसी की हॉरोस्कोप में जुपिटर राहु के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, या फिर किसी की हॉरोस्कोप में जुपिटर की दशा चल रही है, तो इन लोगों को स्पेशली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, आपके कामों में रुकावट आने लगी। पर अब जब जुपिटर 11 अगस्त को डायरेक्ट हो जाएंगे, आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपकी लाइफ आगे फॉरवर्ड होगी, आपकी लाइफ में बेटर चेंजेस आएंगे। स्कॉर्पियो जल राशि है यानी कि वाटर एलिमेंट है, तो जब जुपिटर 11 अगस्त को डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपको तेज़ बारिश देखने को मिलेगी और किसी किसी जगह वाटर कैलेमिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। तो अब बात करेंगे ये चेंज आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। उसमें से पहला है एरीज राशि वालों को हेल्थ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आपकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। टॉरस राशि वालों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। जेमिनी राशि वालों को मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, आपके कैरियर में इम्प्रूवमेंट होगी पर आपकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कैंसर राशि वालों के लिए ये चेंज अच्छा रहेगा, आपके कैरियर में इम्प्रूवमेंट होगी, इसी के साथ साथ
आपको जो मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा था उसमें रिलीफ मिलेगा, और जो फैमिली आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रहे थे उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। लियो यानी कि सिंह राशि वालों को मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, इसी के साथ साथ आपकी फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स भी बढ़ेंगे, तो ध्यान रखें। वीरगो राशि के लिए नॉर्मल रहेगा, आपकी लाइफ में कोई भी बिग चेंजेस नहीं आएंगे। लिब्रा राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कैरियर में ग्रोथ होगी, इसी के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। स्कॉर्पियो राशि वालों को जो मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा था उसमें रिलीफ मिलेगा, आपके जो बेकार के यानी कि यूजलेस खर्चे बढ़ रहे थे वो कम हो जाएंगे, इसी के साथ साथ आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। धनु राशि वालों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ आपके फालतू के खर्चे भी बढ़ेंगे, तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सोच समझ के करें। कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, आपके कैरियर में इम्प्रूवमेंट होगी, इसी के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये चेंज नॉर्मल रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाइसिस राशि वालों के लिए ये चेंज अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे उसमें रिलीफ मिलेगा, इसी के साथ साथ आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था उसमें भी रिलीफ मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें, इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है 11 अगस्त को। इसी के साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।